बच्चों, हमने तुम्हें जो अभी कविता पढ़ाई, आओ करें प्रणाम, उसका शब्दार्थ अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। पीछे एक्सरसाइज दी हुई है ना, उसमें सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है, वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला शब्दार्थ में शब्द है धारा। धारा का मतलब होता है पृथ्वी। सागर, सागर का मतलब होता है समुद्र। तीसरा है पर्वत, पर्वत का मतलब होता है पहाड़। चौथा रचयिता यानी बनाने वाला, रचयिता यानी बनाने वाला, अल्लाह, खुदा या भगवान। अब हम आगे तुम्हें प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, सुंदर धारा किसने बनाई है? उसका उत्तर आएगा, सुंदर धारा ईश्वर ने बनाई है। किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। प्रश्न नंबर दो है, धारा पर खिलने वाले फूल कैसे हैं? उसका उत्तर है, धारा पर खिलने वाले फूल रंग बिरंगे हैं। कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ कैसी हैं? कैसी हैं? पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ सुंदर हैं। क्या आएगा उत्तर? पृथ्वी पर बहने वाली नदियाँ सुंदर हैं। प्रश्न नंबर चार, ईश्वर ने पृथ्वी पर कैसे जीव बनाए हैं? तो प्रश्न नंबर चार का उत्तर क्या आएगा? ईश्वर ने पृथ्वी पर तरह तरह के जीव बनाए हैं। कैसे जीव बनाए हैं? तरह तरह के जीव बनाए हैं। प्रश्न नंबर अब दो आएगा, उसमें देखो पीछे एक्सरसाइज दी हुई है ना, उसमें एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे एक जैसा कोई भी शब्द लिया, उसका जो अर्थ आएगा एक जैसा हो तो उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला करो। तो पहला शब्द दिया गया है पग, उसके सामने हाथ दिया गया है और पैर, दो शब्द दिए गए हैं। पग का समानार्थी शब्द पैर आएगा, इसलिए हम पैर पे गोला करेंगे। दूसरा दिया गया है धरा, धरा के सामने दिया गया है पृथ्वी और पहाड़, तो धरा का समानार्थी पृथ्वी आएगा, तो हम उस पर गोला करेंगे। तीसरा शब्द दिया गया है सूरज, सूरज के सामने सूर्य और सितारा, तो सूरज का समानार्थी सूर्य आएगा, उस पर हम गोला करेंगे। चौथा दिया गया है दुनिया, दुनिया का सामने उसके दिया गया है देश और विश्व, दुनिया का समानार्थी विश्व आएगा, तो हम लोग विश्व पे गोला करेंगे। अब नीचे देखो, उसके बाद प्रश्न नंबर तीन, पत्ता एक वचन है और पत्ते बहुवचन, ऐसे ही नीचे लिखे शब्दों के सही बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाओ। तो पहला शब्द दिया गया है केला, केला क्या है? एक वचन है। अब उसके सामने दिया गया है केले और केलों, तो केले का, केला का सही शब्द केले हैं, बहुवचन, ठीक है। नदी का नदियाँ और नदियाँ दिया गया है, तो नदी का जो सही शब्द है बहुवचन नदियाँ हैं। माला का मालाओं और मालाएं दिया गया है, ठीक है, तो मालाएं, माला का जो सही शब्द है बहुवचन वो मालाएं हैं। खिलौना दिया गया है, उसके सामने खिलौने और खिलौने दो दिए गए हैं, तो खिलौना का जो सही शब्द है बहुवचन वो खिलौने हैं, तो हम खिलौने पे सही का निशान लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर चार, कविता को ध्यान से पढ़ो और खाली जगह भरो। मुस्कानों के दिए जलाए, दिए जलाए, तरह तरह के खाली जगह है बनाए, तो क्या बनाए? जीव बनाए, तरह तरह के जीव बनाए। आओ उसके खाली जगह गाएं हम, क्या गाएं हम? गुड़ गाएं हम, आओ उसके गुड़ गाएं हम। वही खाली जगह इस दुनिया का, वही रचयिता इस दुनिया का, ठीक है। अब प्रश्न नंबर पाँच देखें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। क नंबर है, ठीक है, क में क्या है? संसार के रचयिता ने पर्वत कैसे बनाए? सुंदर, विशाल, पथरीले, तीन ऑप्शन हैं।
तो संसार के रचयिता ने पर्वत कैसे बनाए? विशाल, तो हम विशाल पे सही का निशान लगाएंगे। खा में देखो, दुनिया के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है जादूगर, रचनाकार, ईश्वर। तो हम किस में निशान लगाएंगे? ईश्वर में, क्योंकि दुनिया के रचयिता का नाम ईश्वर है। प्रश्न नंबर 6, सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाओ। ठीक है, सुंदर, सुंदर पे बिंदु आएगा। दूसरा, उसके सामने चांद दिया गया है तो चा पे चंद्र बिंदु आएगा। नदियाँ, नदियाँ पे चंद्र बिंदु आएगा। यहाँ पे मुंह, मुंह पे माँ पे चंद्र बिंदु आएगा। गायें, गायें पे ए पे बिंदु आएगा। रंग, रा पे बिंदु आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज जो हमने आपको कराई पूरी कंप्लीट करके पढ़ के उसके बाद इसे दो बार अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है।